हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। जैसे कि देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी हमारे कोलियस, और मैं अपने हाइबिस्कस जैसे हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस बार भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ हाइबिस्कस, ये देखिए ऑरेंज कलर का ये जो हाइबिस्कस है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी जो कलर्स रहते हैं फ्रेंड्स हाइबिस्कस के, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हाइबिस्कस हर बार मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये जो प्लांट को हमने फर्टिलाइज़ किया है वही प्लांट है, और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये ब्लूम करता ही रहता है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स हाइबिस्कस हमारे ब्लूम्स करने की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारे देसी रोज़ के फ्लावर्स है जो बहुत ही खूबसूरत अभी ग्रो हो रहे हैं, और प्लांट की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। और मैं मेरे कुछ इंग्लिश रोज़ आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि देख रहे हैं, ये जो इंग्लिश रोज़ है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स अभी जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये भी देखिए फ्रेंड्स पीछे, यहाँ पर भी फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स अभी जनरेट हो रहे हैं। और जो पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मिनिएचर वेराइटी के रोज़ेज़ हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लूम्स अभी रेडी हो रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे फ्रेंड्स, जैसे ही क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, वैसे वैसे फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स अभी ब्लूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बारिश है फ्रेंड्स हमारे यहाँ 2-3 दिन से रुकी है, तो आज फ्रेंड्स सुबह से मैंने अपने सारे प्लांट्स के अंदर वाटरिंग कर ली है। ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स की सॉइल ड्राई हो चुकी थी, तो कुछ ही ऐसे पौधे थे फ्रेंड्स जिसकी सॉइल थोड़ी सी वेट थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने अभी वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं की है। बाकी जितनी भी सॉइल ड्राई हो चुकी थी उसके अंदर मैंने वाटरिंग कर ली है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स जैसे बारिश हमारे यहाँ रुकती है, बारिश रुकने के बाद कभी कभार फ्रेंड्स हल्की सी बूंदेबाजी हो जाती है, यानी कि हल्की सी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो प्लांट की ऊपर की जो सरफेस की मिट्टी है वो आपको गीली लगेगी, लेकिन एक्चुअल अंदर की जो मिट्टी रहती है फ्रेंड्स वो बहुत ही ड्राई रहती है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको हमेशा मिट्टी के अंदर उंगली डाल के चेक करना होगा कि आपके प्लांट की सॉइल रियली में वेट है या तो ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स बारिशें हमें चकमा दे सकती है। यानी कि जब बारिशें गिरती है फ्रेंड्स तो बहुत ही लाइट गिरती है, और सिर्फ ऊपर वाली जो सरफेस वाली मिट्टी रहती है वो हमें थोड़ी सी वेट नज़र में आती है, और हम सोचेंगे यार इसके अंदर तो वाटरिंग ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अंदर की जो मिट्टी रहती है फ्रेंड्स वो ड्राई रहती है। थोड़ी देर में, जैसे कि आधा घंटा आप चले जाओगे, आधा घंटे के बाद आप आओगे तो बाद में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स ऊपर वाली मिट्टी भी टोटली ड्राई हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशंस भी क्रिएट होती है, तो आप ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि बारिशों की सीज़न में फ्रेंड्स ऐसी माइनर माइनर चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दी है। तो मैं ये मेरे इग्ज़ोरा है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अभी खिल रहा है इग्ज़ोरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इसके ऊपर भी फ्रेंड्स फ्लावरिंग सभी जनरेट हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे इग्ज़ोरा बहुत ही अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स अभी इग्ज़ोरा के ऊपर जनरेट होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स के जैसे ही फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के फ्लावर्स खिलते हैं, प्लांट के फ्लावर्स खिलते हैं तो बटरफ्लाई आएंगे, बटरफ्लाइज आएंगे तो बाद में ऑब्वियसली आपके गार्डन में कैटरपिलर्स भी आएंगे, और कैटरपिलर्स आएंगे तो बाद में आपके प्लांट के लीव्स को, प्लांट के फ्लावर्स को वो खाते रहेंगे, आपके प्लांट की ब्यूटी को वो धीरे धीरे करके डैमेज कर सकते हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स है फ्रेंड्स, ये कैटरपिलर्स को हम कैसे ट्रीट करें उसके ऊपर मेरी आज वीडियो है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे कुछ मेरे व्यूअर्स की ये कमेंट आई थी कि कैटरपिलर्स हमारे गार्डन में हो गए, हमारे लेमन प्लांट पे, हमारे हाइबिस्कस पे, या तो हमारे स्पाइडर लिली के प्लांट पे। को ये जो कैटरपिलर्स होते हैं फ्रेंड्स ये किसी भी प्लांट के ऊपर होते हैं। ये जो बटरफ्लाइज होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही बारिशें थोड़ी कंप्लीट हो जाती है, बारिशें रुकती है, बटरफ्लाइज अपने अंडे ये प्लांट के लीव्स के ऊपर रख देते हैं, और वो अंडों में से फ्रेंड्स कैटरपिलर्स प्रोड्यूस होते हैं, और धीरे धीरे आपके प्लांट के लीव्स को वो खाते रहते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ 2-3 दिन से फ्रेंड्स बारिशें रुकी हुई है, उसके बाद कैटरपिलर्स ने मेरे लीव्स को खाना स्टार्ट कर लिया है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर एक खिलने वाला था ये फ्लावर को पूरा ख़त्म कर लिया है ये कैटरपिलर ने, और दूसरी जगह पे भी है, ये देखिए यहाँ पर भी एक कैटरपिलर पड़ा हुआ है, यानी कि ये धीरे धीरे करके ये प्लांट के लीव्स को खाता रहेगा। और मेरे दूसरे प्लांट के ऊपर भी है, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी एक कैटरपिलर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं फ्रेंड्स ये धीरे धीरे करके हमारे प्लांट के लीव्स को ख़राब करते हैं। मैं दूसरी जगह पे भी देख लेता हूँ कहाँ पे होगा, शायद फ्रेंड्स ये छुपे हुए भी रहते हैं कई जगहों पे, जिसकी वजह से हमें आसानी से पता नहीं चलता। तो इन कैटरपिलर्स की ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैटरपिलर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये कैटरपिलर्स को हमें कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले और आसान चीज़ ये है
जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को पसंद नहीं आएगी वो है फ्रेंड्स ये कैटरपिलर्स को कुछ ये हिसाब से उठाना, ये देखिए ये हिसाब से उठाना, और अगर मैं गार्डन के बाहर फेंकूंगा तो बाद में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये कहेंगे कि गार्डन के बाहर फेंक दिया तो ये तो गलत किया, तो मैं गार्डन के बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं इसको डाल दूंगा कचरे के ढेर में यहाँ पे। ये जो मेरा कॉम्पोस्टिंग डिपार्टमेंट है यानी कि कुछ सड़े गड़े लीव्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा। और ये जो मेथड फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है ये मेथड बहुत ही कारगर है क्योंकि मैं यही तरीके से मैं अपने गार्डन में कैटरपिलर्स को हटाता हूँ। कैटरपिलर्स को अगर आप इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करेंगे तो ये जो कैटरपिलर्स है फ्रेंड्स ये आसानी से नहीं जाने वाले, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप अपने ये जो कैटरपिलर्स हैं ये कैटरपिलर्स के ऊपर पानी का फोर्स करिए, यानी कि जब आप स्प्रे करते हो पानी का तो अच्छी तरह स्प्रे करिए, पानी का स्प्रे करने की वजह से ये गिर जाएंगे तो ये गिर के सीधा मिट्टी में चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी फ्रेंड्स कि मिट्टी में जाने के बाद ये फिर से आपके प्लांट के ऊपर चढ़ सकते हैं और आपके प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन बाद में आखिर में आपको वही तरीका अपनाना होगा, किसी भी स्टिक से या तो कहीं कोई भी ऐसी चीज़ से अगर आप हाथ से उठाना चाहते हैं तो हाथ से उठा सकते हो। वैसे फ्रेंड्स मैं तो आराम से हाथ से उठा देता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे फीमेल व्यूअर्स है जो हाथ से कैटरपिलर को उठाना नहीं चाहते। तो हाथ से अगर आप उठाना नहीं चाहते हो तो कोई भी आप स्टिक लीजिए, स्टिक के थ्रू आप ये कैटरपिलर को हटा दीजिए और बाहर भी फेंक सकते हैं या तो आपके गार्डन के जो भी वेस्ट मटेरियल है वहाँ फेंक सकते हैं। तो वहाँ पे ये बैठ के आराम से खाना खाते रहेंगे अपना और बाद में मोटे टगड़े होके बटरफ्लाई बन के वो उड़ जाएंगे। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये आसानी से इंसेक्टिसाइड्स या तो पेस्टिसाइड से नहीं मरने वाले, तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो पेस्टिसाइड स्प्रे कर लो, बहुत ईजीली ये जो कैटरपिलर्स है वो नहीं मरेंगे। फ्रेंड्स अब मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ ये कैटरपिलर को भगाने का, वो है ये प्रोड्यूस होने से पहले ही फ्रेंड्स हमें इसका सॉल्यूशन ला देना है। यानी कि अगर आप रेगुलरली पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आप अपने गार्डन के प्लांट्स के ऊपर वगैरह के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हो तो बाद में आप ये कैटरपिलर को प्रोड्यूस होने से बचा सकते हो। जैसे कि ये चल रहा है मेरे हाथ के ऊपर तो एक बहुत ही अजीब टाइप की फीलिंग हो रही है जैसे कि देख रहे हैं। तो ये जो अंडे रखते हैं फ्रेंड्स बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाई जो अंडे रखते हैं तभी ही हमें इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन कर लेना है, जैसे कि रोगोर इंसेक्टिसाइड हुआ या तो जो एडमायर इंसेक्टिसाइड हुआ, वो इंसेक्टिसाइड आप तभी से ही स्प्रे करोगे तो बाद में ये जो कैटरपिलर्स है वो आसानी से आपके जो प्लांट के लीव्स के ऊपर नहीं लगेंगे। तो एडमायर पेस्टिसाइड्स की वजह से फ्रेंड्स जैसे ही वो अंडे में से बाहर निकलेंगे और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कैटरपिलर्स के तो वो इंसेक्टिसाइड्स की वजह से वो मर जाएंगे। अब जैसे कि मेरे गार्डन में तो ये लग गए हैं क्योंकि तो मैं तो रेगुलरली ये सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरे यहाँ फ्रेंड्स लगातार कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी जिसकी वजह से मैं अपने प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप के पेस्टिसाइड्स वगैरह अप्लाई नहीं कर पाता था। पेस्टिसाइड्स नहीं अप्लाई करने की वजह से ये जो अंडे है धीरे धीरे कैटरपिलर्स में कन्वर्ट हो गए और अभी ये जो मेरे प्लांट के फ्लावर्स को खा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ बारिशें नहीं गिरती हो और आप चाहते हो कि आपके गार्डन में कैटरपिलर्स प्रोड्यूस ना हो तो बाद में आपको ये इंसेक्टिसाइड्स रेगुलरली आपको अपने एडमायर या तो रोगोर इंसेक्टिसाइड या तो कोई दूसरा भी कोई इंसेक्टिसाइड जो एफिड्स मेलीबग्स जैसे इंसेक्ट्स को मारता है वैसे इंसेक्टिसाइड को आपको अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे करना है, ब्रांचेस के ऊपर स्प्रे करना है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर कैटरपिलर्स डेवलप नहीं होंगे। अब ऑर्गेनिक तरीके में फ्रेंड्स मैं नीम ऑयल का सजेशन आपको दूंगा, लेकिन नीम ऑयल भी जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड्स आप फेल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में नीम ऑयल का काम करना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे नहीं लगेगा कि नीम ऑयल आपको अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही स्लो काम करता है, धीरे धीरे वो अपने प्लांट के ऊपर रिजल्ट लाता है। तब तक तो फ्रेंड्स ये जो कैटरपिलर्स है आपके लीव्स को खा के टगड़े होके बटरफ्लाई बन के उड़ जाएंगे। तो जो अगर आप ये नीम पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन करोगे तो बाद में इजीली तो ये बटरफ्लाई ये कैटरपिलर्स जाने वाले नहीं हैं। तो बस आपको सबसे आसान और बेटर तरीका है इसको उठाना है, कोई भी स्टिक से उठाइए, जैसे कि मैं तो हाथ से ही उठाता हूँ, कोई भी स्टिक से उठाइए और गार्डन के बाहर भी फेंक सकते हो या तो गार्डन के कचरे में फेंक सकते हो। तो ये तरीका फ्रेंड्स हमें अपनाना है कैटरपिलर्स को भगाने के लिए।
फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ये मत बोलना कि आपने क्यों इंसेक्ट को हाथ में लिया है, क्योंकि ये तो मेरा रेगुलर का काम है। मैं अपने गार्डनिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने इंसेक्ट्स और पेस्ट देखे हैं जो सिर्फ मैं अपने हाथ से ले लेता हूँ। तो ये जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से आपको काटते नहीं है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक फ्रेंड्स आप कोई भी ऐसी चीज़ से सामना नहीं करते, तब तक आपको वो चीज़ से घबराहट लगती रहती है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हाथ से लेके वो कैटरपिलर को पकड़िए। आप कोई भी लकड़ी की चीज़ लीजिए और लकड़ी की चीज़ के साथ आप वो कैटरपिलर को पकड़ के उसको बाहर फेंक सकते हो। फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो कैटरपिलर को भगाने के ऊपर। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अब जैसे कि देख रहे हैं, ये जो बड़ा बंदा, ये तो बाहर निकल चुका है, इसको फिर से अंदर डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कैटरपिलर्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि हमारे रोजेस को हमें मानसून की सीज़न में कैसे फर्टिलाइज़ करना है। जैसे कि मानसून ख़त्म होंगे उसके बाद हमें रोजेस को कैसे फर्टिलाइज़ करना है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी। तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।